2 3 दिन पहले का जो मेरा वीडियो था आपके तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली सिल्वर कार्प मछली के बारे में था। इसी श्रेणी में एक और मछली आती है जिसका रेट काफ़ी बेहतर मिलता है आपको, पालन भी बहुत ज़्यादा ही होता है, परंतु सिल्वर कार्प का ग्रोथ इस मछली के अपेक्षा थोड़ा अधिक है। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मेरा मछली के बच्चों का काम कोलकाता नैहाटी में होता है, मेरे यहाँ मेडिसिन का भी काम होता है बिहार हाजीपुर में, और जेके फिश फीड का भी काम होता है। हम आपके लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। वैसे किसानों को जो पुराने लोग हैं उनको तो सारी की सारी जानकारियाँ हैं, परंतु जो नए लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, और अक्सरहा लोग मछली पालन को बहुत ही आसान काम समझ लेते हैं और गलतियाँ यहीं पे होती हैं। एक तो क्वालिटी का उच्च गुणवत्ता वाला बच्चा उनको नहीं मिल पाता है, यहाँ पे वे दिक्कत में पड़ जाते हैं। अगर आपको भी उत्तम क्वालिटी का बच्चा चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे, हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते ही हैं बच्चे। इसी श्रेणी में आज हमारा बच्चा जय श्री सिंह सासाराम बिहार के रहने वाले चीतल 500 बच्चे मंगवाए हैं, अलीपुर द्वाड़ बंगाल पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले सुबीर देवनाथ जी, इनका भी बच्चा भेजा गया है। धर्मवीर जी ये हरियाणा के अम्बाला के रहने वाले 1000 चीतल मछली मंगवाए हैं। उपेंद्र सिंह देहरादून के रहने वाले, इनको ब्लैक कार्प भेजा गया है। किसी भी तरह की मछली जो इंडिया में पालन होता है आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर मंगवा सकते हैं। चलिए मेडिसिन का भी अपना काम है, वो भी मंगवाइएगा। और चूंकि अब बरसात का समय आ रहा है तो आपके फार्म पर हम बार बार वीडियो में दोहराते हैं कि जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट, कम से कम 10 किलो जियोलाइट आप मंगवा करके रख लीजिए और 1 किलो जियोलाइट मंगवा करके रख लीजिए। जैसे ही आकाश में बादल बनेगा सारी मछलियाँ आपकी ऊपर आ जाएंगी और फिर आपकी मछलियाँ परेशानी में पड़ सकती हैं। जब मछली परेशानी में पड़ेंगी तो आप भी परेशानी में ही पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए, मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। हम बात करते हैं आपके तालाब की ऊपरी लेयर में रहने वाली भाकुर मछली, जिसे कतला के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। बिहार में कई जिलों में भाकुर के नाम से इसे जाना जाता है। यह आपके तालाब के ऊपरी लेयर में रहती है और सरसों की खली इनका प्रिय भोजन है। और जब आप सरसों की खली डालते हैं अपने तालाब में तो न केवल यह कतला मछली, जो भी मछलियां हैं वे भी खाती हैं इनको। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आपके तालाब में जो भी ऊपर की लेयर में रहने वाली मछलियां हैं जैसे सिल्वर कार्प, कतला या फिर बिग हेड मछली, इसका भी बिग हेड का भी लोग काफ़ी पालन करते हैं यूपी वगैरह साइड में, क्योंकि उनको शौक है कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हो जाए। बिग हेड कम समय में काफ़ी बेहतर ग्रोथ ले लेता है। तो इन तीनों मछलियों के लिए आप सरसों की खली का प्रयोग करिए तालाब में, प्लैंकटन बना हुआ रहे तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। और सरसों की खली में आप ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर और गाय का गोबर, इस तरह से सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया, इन सारे का कम्बिनेशन करके जब आप तालाब में डालेंगे 1 सप्ताह के लिए उसको छोड़ देंगे, फिर जब यह दाना आपका तैयार हो जाएगा फिर तालाब में डालेंगे तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। तो आप मिनरल मिक्सर भी मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ईस्ट पाउडर भी मंगवा सकते हैं, जो भी आप अगर खरीद रहे होंगे रिटेल में आपके आसपास। एक तो दिक्कत होता है कि हर जगह है मछली का मेडिसिन का दुकान ही नहीं होता अवेलेबल, हम आपके यहाँ तक बाई पोस्ट भेज देते हैं और रिटेल दुकान से काफ़ी कम पैसे लेकर के हम आपके यहाँ तक भेजवाने का कष्ट करते हैं। तो मंगाने के लिए आप कॉल करेंगे। मछली जब भी कतला आपके तालाब में है या छोटे बच्चे किसी भी मछली का है, उनको प्लैंकटन चाहिए ही चाहिए, चाहे वह रोहू मछली हो, ग्रास कार्प हो। अब ग्रास कार्प का पालन सारे लोग बहुतायत मात्रा में करते हैं, तो उनको भी, जब वह भी ग्रास कार्प का बच्चा आप डालते हैं तो उनको भी प्लैंकटन ही चाहिए होता है। और सरसों की खली, जैसे प्रोटीन हम सरसों की खली पर क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि मछलियों को लगभग 30% के आसपास प्रोटीन चाहिए होता है, और यह जो पीले वाले सरसों का खली है इसमें 30% के आसपास प्रोटीन मछलियों को मिल जाता है। और मछली को सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, 20% लगभग उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो आपकी कतला मछली, सिल्वर कार्प मछली और बिग हेड मछली, ये तीन मछलियाँ हैं जो फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन खाती है। ऐसे हमारे पास बना बनाया प्लैंकटन जो कंपनी से बना हुआ रहता है, प्लैंकटन पाउडर, जू ब्लूम पाउडर, जिसमें जू प्लैंकटन बनाने के लिए, फाइटो प्लैंकटन बनाने के लिए भी आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। जो लोग गाय का गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, दाना बना करके फर्मेंटेशन नहीं करना कराना चाहते हैं, वे प्लैंकटन बनाने के लिए आप प्लैंकटन नाम से जो मेडिसिन आ रहा है, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग खुद अपने तालाब में इसका प्रयोग करते हैं। मछलियों का ग्रोथ कम समय में बेहतर ढंग से हम लोग लेते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, हमारा जेके फिश फीड का भी काम होता है, तो आपको बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आपको डीलरशिप लेना होगा तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, हम आपको डीलरशिप देंगे। आप कतला मछली का पालन करिए, ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, रेट भी हर जगह इसका बेहतर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बनने के लिए और बच्चे मंगाने के लिए। जो लोग भी बच्चे मंगाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।